भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के तत्वावधान में शुक्रवार को कटघर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा लगभग 251 कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर सैनिटाइजर, मास्क एवं खिचड़ी वितरण किया गया। मानवाधिकार एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम विधिवत माँ सरस्वती की वंदना से किया गया। कार्यक्रम संयोजक इंद्रजीत गुलाटी ने बताया कि हम 1 दिसंबर से गरीबों तथा बेसहारा लोगों को कंबल का वितरण करते आ रहे हैं। हम रात्रि को अपनी टीम के साथ निकल चलते हैं, वहीं बेसहारा लोगों की सहायता करते हैं। कार्यक्रम के अंत में जनरल बिपिन रावत जी और सभी सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत गुलाटी, महासचिव कमल सिंह, जिला अध्यक्ष संदीप मेहरोत्रा, मंडल उपाध्यक्ष विपिन गुप्ता, नितिन अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, यशदीप शर्मा, कमल किशोर, मुकेश कुमार, भारत खुराना, हरदीप सिंह गुप्ता, शिवम गुप्ता, अजय सहगल, सौरभ धवन, दलजीत सिंह, बलजिंदर सिंह, ब्रजेश पुनित रस्तोगी, रोबिन अरोड़ा, अभिषेक सक्सेना, रोहित बिश्नोई, लक्ष्य सक्सेना, मनवीर सिंह, अमित गर्ग, राहुल शर्मा, संदीप परमार, सोनी राहुल, संस्कार कत्याल, विनोद कुमार झा, दीपक पसरीजा, मंजूर अली खान आदि लोग मौजूद रहे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत गुलाटी सभी को आज आपके प्रेस के माध्यम से सबको आज मानवाधिकार दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सभी से ये कहता हूं कि किसी गरीब को, बेसहारा लोगों को जिस तरीके से हम लोगों ने आज कंबल वितरण लगातार हम 1 तारीख से कर रहे हैं, आज हमने कार्यक्रम कार्यालय पर करा है ये, और आगे भी लोगों से कहता हूँ कि ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। और जो हमारे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उसकी वर्षगांठ मनाई गई और 251 कंबलों का वितरण किया गया। मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, मानवाधिकार का किसी कीमत पर हनन नहीं होने दिया जाएगा और जिस व्यक्ति को हमारी जो भी ज़रूरत है हम उसका किसी कीमत पर हनन नहीं होने दिए जाएंगे। हम सब लोग साथ हैं और गरीब से तबके का जिसका शोषण हो रहा है आज, जिसे कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ जाकर हम लोग कार्य कर रहे हैं और हर तरह से हम हर गरीब की मदद करने को तैयार हैं। सर, प्रथम क्या कार्य किया गया है? कंबल बांटे गए, खिचड़ी बांटी गई, मांस बांटे गए और स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी के उसमें 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जो कि हमारे देश के सच्चे सपूत सैनिक थे। 2 मिनट का मौन रखा गया, पूरी टीम ने उन्हें शोक संवेदना व्यक्त की।